रविवार का दिन था। राजेश अपने लॉन में बैठा चाय पी रहा था। मकान के सामने वाला फाटक किसी ने खोल दिया था। इसी बीच उनके कानों में एक लड़के की आवाज आई। लड़का उनके फाटक के ठीक सामने खड़ा होकर कह रहा था, परिंदे ले लो बाबू, परिंदे ले लो बाबू। लड़का अपने कंधों पर बहंगी नुमा बांस की फट्टी के दोनों किनारों पर तार के पिंजरों में रंग बिरंगे वन पंखी लटकाए हुए था। राजेश फाटक के बाहर निकल उसे छेड़ते हुए पूछने लगा, क्या बेच रहे हो भाई? परिंदे बेच रहा हूँ बाबूजी। परिंदे? हाँ साहब, इसमें अचरज की क्या बात है? कौन कौन से परिंदे बेचते हो? बुलबुल, ललमुनिया, मैना, तोता, पपीहा, नीलकंठ। क्या लोग इन्हें खाते हैं? नहीं साहब, मैं खाने वाले पक्षियों की बिक्री नहीं करता, बस पालने वाले परिंदे बेचता हूँ। लोग बाग बुलबुल, ललमुनिया, तोता, कोयल, पपीहा पिंजड़े में शौकिया पालते हैं। उनकी आवाज सुनकर दिल बहलाते हैं, घर में ही बाग बगीचों का लुत्फ लेते हैं। चिड़िया पालने का शौक शहराती है, शहरों में घर घर में पेड़ तो होते नहीं जिन पर परिंदे बैठे। आदमी उनकी आवाजें सुने, उनकी बोली से जिंदगी का मजा ले। लड़का अपनी उम्र से ज्यादा होशियार लगता था। पजामा तथा बदन पर आधी बाजू का कुर्ता पहने था। वह बनारसी लहजे में फटाफट बातें कर रहा था। सड़क पर बैठे पिंजरों को अपने सामने आगे करते हुए उसने बड़े अदब से कहा, बाबूजी परिंदे लोगे या चलूं? समय भागता जा रहा है, बड़ी कोठी जाना है। बड़ी कोठी वाले तुम्हारे परिंदे खरीदेंगे क्या? जी हाँ, उन्होंने मुझसे दो नीलकंठ मांगे हैं। वे लोग नीलकंठ का क्या करेंगे जी? हाय अल्लाह, आप यह भी नहीं जानते, नीलकंठ शंकर भगवान के रूप है ना। हिंदू धर्म वाले इनका दर्शन कर अपने को धन्य मानते हैं। बड़ी कोठी के बाद कहाँ जाओगे? चतुर्भुजपुर गांव जाऊंगा। वहाँ भी तुम्हारी चिड़िया की कोई खरीदारी करेगा क्या? जी हाँ, नरोत्तम बाबू 5 साल बाद सेंट्रल जेल से छूट कर आए हैं। उन्होंने मनौती मानी थी कि जब मैं साफ साफ बचकर जेल से छूट जाऊंगा तो 100 ललमुनिया चिड़िया आकाश में उड़ाऊंगा। उन्होंने मेरे यहाँ परसों ही मंगरू सरदार से खबर भिजवाई थी। वे तुम्हारा घर जानते हैं क्या? बहेलिया टोला में मेरे अब्बा खुर्शीद को कौन नहीं जानता। इस बीच राजेश के सामने वाले मकान से अजीत बाबू ने आवाज लगाई, बगेरी या चाहा भी रखे हैं क्या लड़के? नहीं बाबूजी, मैं जान से मारने का धंधा नहीं करता। बगेरी कबूतर तथा चाहा को जाल में फंसा कर उन्हें पानी में डुबो डुबो कर मारना मेरे भूते के बाहर की चीज है। पालतू चिड़िया बेचना ही मेरा पुश्तैनी धंधा है। उसने रुक कर पुनः कहा, साहब मेरे अब्बा कहा करते थे कि बेटे मांस बेचने का धंधा कभी मत करना, मांस का धंधा करने वालों के चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। उन्होंने कभी एक कहानी सुनाई थी कि एक राजा था, वह महल में देर रात तक रंगरेलियां मनाता तथा सुबह बहुत देर तक सोता। उसके महल के पास के बाग बगीचों में जब भोर में चिड़िया चहचहाने लगती तो उसके सोने में खलल पड़ता। गुस्से में उसने महल के आसपास के बाग बगीचे कटवा दिए। कुछ दिनों के बाद उसे परिंदों की बोलियों का अभाव खलने लगा, उसे सूना सूना लगता। इस गम को वह बहुत दिनों तक झेल न सका और उसका 1-2 साल बाद इंतकाल हो गया। उनके कहने का मतलब यह था कि वन पंखियों को मार कर खाने से उनकी नस्ल खत्म हो जाती है, उनकी चहक के बिना जिंदगी में सन्नाटा छा जाता है, माहौल बोझिल बन जाता है। परिंदे अल्लाह के डाकिये हैं, प्रकृति के पहरुए हैं, इनका रखरखाव बेहद जरूरी है। आपको मालूम हो न हो, अभी कल ही रामनगर पीपे के पुल के पास नारायणपुर से आ रहे 2 बहेलियों को वन विभाग वालों ने दबोचा है। उनके पास से 200 चाहा, 1000 बगेरी तथा 15 मुर्गावियां पकड़ी गई हैं। पूछने पर उन लोगों ने बतलाया, इन्हें बम्बई के रास्ते विदेश भेजकर अच्छा पैसा कमाते हैं। तुम्हारा भी धंधा रियाज का है? हाँ बाबूजी, मशक्कत तो किसी भी धंधे में उठानी ही पड़ती है, थोड़ा इसमें रियाज ज्यादा है।
इसके लिए चिड़ियों के ठौर तलाशने पड़ते हैं, पेड़ के कोटरों की निगरानी करनी पड़ती है, इसके लिए कभी कभी विषैले सांपों के साथ जान का जोखिम भी उठाना पड़ता है क्योंकि ये परिंदों पर चोट करते हैं। ललमुनिया तथा छोटी सुंदर चिड़ियों के लिए ईख तथा धान के खेतों में जाल डालकर रात बितानी पड़ती है। कभी कभी गांव वाले हम सबको डकैत समझकर फजीहत करने लगते हैं, समझाने बुझाने और हाथ पैर जोड़ने पर काबू में आते हैं। ऐसे में जाकर तब कहीं कुछ हाथ लगता है, बाजार में हिसाब से बिक गई तो वाह वाह, वरना इन्हें जिंदा रखने के लिए भी बहुत सारे इंतजाम करके दाना पानी का जुगाड़ करना पड़ता है। कहीं मर गई तो? मालिक, गरीबी में आटा गीला समझिए। अरे यार, तुमसे इतनी देर बातें हुई पर तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बतलाया। सरकार, आपने अभी तक मेरा नाम पूछा कहाँ? मेरा नाम शागिर्द है। बड़ा अच्छा नाम है रे, अब्बा ने चुनिंदा जो रखा है। कुछ पढ़े लिखे भी हो? नहीं मालिक, झूठ क्यों बोलूं? जवानी में अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए, माँ ने बीड़ी बनाकर पत्तों के दोने बनाकर हमारी परवरिश की, होश संभाला तो अपना पुश्तैनी धंधा करने लगा। पेट पालने के चक्कर में मदरसे का मुंह नहीं देख पाया। रोटी का चक्कर बड़ा खराब होता है हुजूर। शागिर्द, क्या इस धंधे से तुम्हारे परिवार का गुजारा हो जाता है? खींच तान कर जिंदगी की गाड़ी चल जाती है मालिक। जब कोयल और पपीहों के साथ हीरा मन तोता तथा बुलबुल हाथ लग जाते हैं तब तो धंधे में मजा आ जाता है, वरना किरकिरा समझिए। राजेश ने शागिर्द को समझाते हुए कहा, आजकल सरकार पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद तत्पर है, चिड़ियों की धरपकड़ बिक्री पर पाबंदी है, तो यह धंधा छोड़ क्यों नहीं देते? सरकार, जीने के लिए जब तक कोई दूसरा जुगाड़ नहीं बैठ जाता है तब तक ये धंधा कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी नौकरी बनारसी साड़ी वाले के यहाँ लगवा दूं? उनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ेगी, 2000 तक मासिक वेतन दिला दूंगा। आपकी मेरे ऊपर नजरे करम होगी बाबूजी। तो फिर 10 तारीख को 10 बजे मिलो। जरूर मिलूंगा साहब, अब चलता हूँ। तुम्हारा बहुत समय बर्बाद किया, ये लो अब हमारी तरफ से 5 रुपए, दुकान पर कहीं चाय पी लेना। यही तो साहब मेरे अब्बा ने नहीं सिखाया, बस मेहनत की कमाई का भरोसा है। सलाम, चलता हूँ, 10 तारीख को मिलूंगा। परिंदों वाले